नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स, इनके बारे में कैसे हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस किस कंट्री में इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, भारत के लिए इंडिया के वो सभी मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट जो आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और कहां पे सबसे बड़ा लैक पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं कि व्हाई वी आर द बिहाइंड, सबसे ज्यादा वीकर पॉइंट हम लोगों का क्या है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरे पास में स्टार्टिंग से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर कुछ आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लोर कीजिए, तो जब मैंने इसकी R&D की आई वॉज शॉक टू सी इच एंड एवरीथिंग। एक्चुअली वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड इच एंड एवरीथिंग इन आवर हैंड फॉर आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, बट इन एक्सपोर्ट मार्केट, इन ग्लोबल मार्केट आवर प्रेजेंस इज नथिंग माय फ्रेंड्स। रियलिटी इज वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, बट आवर शेयर रेशियो इज वेरी लोवेस्ट। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड इन अपकमिंग टाइम हाउ वी कैन डू दिस इन अ बेटर वे, कहां कहां पे हम लोग इसके अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहां कहां पे जरूरत है हमें और अच्छा करने की, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों को एंड तक देखना है, एंड में मैं आपको वो डिजायर कंट्रीज बताऊंगा जहां जहां पे इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड्स होती हैं। मैं बताऊंगा कुछ ऐसी कंपनियां जो बैन हो चुके हैं जिनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के अंदर उन कंट्रीज के अंदर, ऐसी बहुत सारी चीजें हम आज यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नए सब्सक्राइबर है, जो नए व्यूअर्स हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, बिकॉज इसके बाद में भी ऐसे ट्रेनिंग वीडियो जो हैं वो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप आज मैं लेके आया हूं एक केस स्टडी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि नॉलेज स्टडी फॉर आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। दोस्तों डू यू नो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हर्बल मेडिसिन आफ्टर चाइना, यानी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हर्बल मेडिसिन के अंदर इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जहां पे चाइना का जो परसेंटेज है वो 13.57 है, तो वहां पे इंडिया का जो परसेंटेज है वो जस्ट 2.57 है। जैसा मैंने कहा कि वी आर द लार्जेस्ट इन नंबर बट इन शेयर रेशियो वी आर वेरी लोअर ऑन द स्टेज बैक माय फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा शेयर रेशियो हम लोगों का है, जबकि चाइना जो है वो 13 पॉइंट के हिसाब से 13% उसका सबसे ज्यादा बड़ा एरिया हम कह सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा इन अपकमिंग टाइम, अगर टाइम मिला तो मैं बनाऊंगा कि चाइना क्यों इस चीज के अंदर बहुत आगे हैं, और आज के वीडियो में भी आप ये समझ पाओगे कि व्हाई वी आर द बिहाइंड, क्यों हम सेकंड लार्जेस्ट, जबकि इंडिया जो है वो आयुर्वेदिक के अंदर और सभी चीजों हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर विश्व गुरु माना जाता था, क्या कारण है इसके। दोस्तों द करंट वैल्यूएशन ऑफ द इंडियन हर्बल मार्केट इज एट ₹5,000 करोड़ विथ एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 14%। जो फिलहाल ये डाटा जो है वो 2017 और 18 का जो सबमिट हुआ था वहां से मैंने लिया है, तो 5,000 करोड़ का हम लोगों का आयुर्वेदिक और हर्बल का मार्केट है एक्सपोर्ट का, जिसमें हर साल 14% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आप 2000 से भी इसे करोगे तो आप सोच सकते हो कि 2000 से अभी तक 2019 तक एक और इसमें 14% आप इंक्लूड करोगे, अगर इससे 2018 का भी समझा जाए तो ये ग्रोथ जो है वो 14% के हिसाब से हम लोगों की शुरू है। जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी जो है वो इसके अंदर हिमालय ड्रग कंपनी है, इमामी है, अश्विनी है, आयुर, डाबर, चोलाइल फार्मा, और जो बड़े नाम या कुछ ऐसे नाम है जैसे पतंजलि का मैंने यहां पे नाम नहीं लिखा है, बिकॉज पतंजलि जो थी उसने अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट किया, इसमें एक IMC बोल के है जो इंटरनेशनल नहीं है बट इंडिया के अंदर उसने बहुत अच्छा काम किया है, और श्री श्री रविशंकर जी की भी है, और ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी हम कह सकते हैं कि एक कंपनीज हैं जिन लोगों ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया है और उसकी वजह से मार्केट जो है वो ग्रोथ हो रहा है। जो हम 14% का इंक्रीमेंट देख रहे हैं मार्केट में वो उसी वजह से हो रहा है। अब नाउ द मेन थिंग इज
अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, क्या अपॉर्चुनिटी है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर इंडिया के लिए। दोस्तों एज ए वर्ल्ड ग्रुप, जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया का जो नाम है, भारत जो है, वो पहले से ही विश्व गुरु था। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, यू ऑलरेडी हैव टैग, कि आपके पास में वो टैग है भारत का, कि भारत के पास में पहले से ही वो विश्व का गुरु बन चुका था। सेकेंड, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया के अंदर बहुत ही उत्तम तरीके की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, जिनकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं। दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, वो इसलिए भी है कि बिकॉज टूडे एवरीवन इज हेल्थ कॉन्शियस, सभी लोग अपने शरीर को, अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये फूड नहीं खाना चाहिए, इस तरीके के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि हेल्थ के प्रति एक जागरूकता लोगों के अंदर आई है, और जिसकी वजह से एलोपैथी को लोगों ने वापस दरकिनार करना शुरू किया है और वापस वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं। और इसमें स्पेशली जो है तो वो वर्ल्ड मार्केट जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को वो लोग यूज कर रहे हैं, और उसी तरीके से वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। वो लोग योगा पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास में एज ए वर्ल्ड गुरु, हम विश्व गुरु थे, आज भी हमारे पास में वो पोटेंशियल है, हमारे पास में वो सारे रिसोर्सेज हैं। इसके लिए इंडिया के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में है। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो डिकेड्स से, यानी बहुत उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती आ रही है, तो उनके पास में एक बहुत अच्छा नॉलेज यहां पे उन लोगों के पास में है, एक्सपीरियंस उन लोगों के पास में है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और वो बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर मार्केट में उसे लेके आ सकते हैं, जो शरीर के प्रति, जो हेल्थ के प्रति बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। डिकेड्स एक्सपर्ट्स वर्ल्ड एक्सेप्टेंस, ये जैसा मैं अभी कह रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, डिकेड्स एक्सपीरियंस, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि हाँ भाई हम ऐसी दवाएं बना सकते हैं जो शरीर के बहुत सारे रोग बिना किसी काट फीट के सही कर सकते हैं। और इस चीज को वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व मानता है कि भारत के पास में वो काबिलियत है, वो जड़ी बूटियां हैं। आपको लोगों को अगर याद हो तो रामायण के अंदर संजीवनी बूटी का जिक्र आता है, दोस्तों वो संजीवनी बूटी भी हमारे पास में ही है। यानी मेरा कहने का यहां पे एक एग्जाम्पल यही है कि हमारे पास में वो सभी तरीके की बूटियां, जड़ी बूटियां अवेलेबल है जो एक बार मृत इंसान को भी जीवित कर सकती है। लेकिन यहां पे जो इशू है, कुछ इश्यूज हैं कि हम उन्हें बेटर वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो हम देखते हैं आगे। नाउ द अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर द बिहाइंड। इतना सब कुछ हमारे पास में है, फिर भी हमारा जो शेयर रेशियो है वर्ल्ड वाइड वो सिर्फ 2.57% है। इतना सब कुछ हमारे पास में, हम विश्व गुरु थे, हम आज भी, बहुत सारा एक्सपीरियंस वगैरह हमारे पास में है, फिर क्या कारण है? तो दोस्तों यहां पे मैंने कारण आप लोगों के नोट डाउन किया। सबसे बड़ा कारण है अवर बिजनेस स्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा जो इशू है, आप लोग इसे अच्छा मानिए या मेरी तरफ से आप कुछ भी मानिए इसे, बट आई वॉन्ट टू से कि जो सबसे बड़ा इशू है वो है आप लोगों का मेंटल सेटअप। हर चीज अपग्रेड हुई है, हर चीज के अंदर बदलाव हुआ है, लेकिन हमारा जो मेंटल सेटअप है वो नहीं बदला है। हम अभी भी उसी मदारी और बंदर के खेल के ऊपर बिजनेस को रन करना चाहते हैं, जो अब पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। अवर बिजनेस स्ट्रक्चर, लाइक बहुत सारे मेरे पास में लोग आते हैं कि सर प्रोप्राइटरशिप से कर लेते हैं, क्या इशू है? सर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोप्राइटरशिप एक्सेप्टेड नहीं है। दैट विल नॉट इंपैक्ट मेक एनी काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑन द बायर्स माइंड। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हो? लॉजिकल चीज यह है दोस्तों कि हर इंसान यहां पे यह चाहता है कि वो किसी बड़ी कंपनी के साथ में काम करे, हर इंसान यह चाहता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो कंपनी भी ये चाहती है कि वो कम से कम किसी छोटी कंपनी के साथ में तो काम करे। इफ यू आर इंडिविजुअल देन दे कैन हायर यू, बट इफ यू आर ए कंपनी देन दे विल मेक ए डील विथ यू। फर्क समझिए दोनों का।
अगर आप इंडिविजुअली आपके पास में कोई स्किल है तो वो आपको उसको हायर बेसिस के ऊपर आपको आपके पास से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी हो तो वो आपके साथ में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में जुड़ सकते हैं। हमारे यहां पे अभी तक वही मेंटल सेटअप चालू है बिजनेस स्ट्रक्चर का, जबकि मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया भी है, लेकिन बहुत सारे लोग पहले से ये मेंटल सेटअप करके बैठे हैं, सर 2-3 डील कर लेते हैं उसके बाद में इसका पूरा स्ट्रक्चर। यार 2-3 डील आप लोग इसे इतना इजी क्यों समझ रहे हो? इट्स अ इंटरनेशनल मार्केट। 2-3 डील में लोगों का पूरा साल निकल जाता है। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं मार्केट में आऊंगा और मेरी 2-3 डील हो जाएगी? तो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आपको सारे पार्ट्स चाहिए आपके पास में। सोचिए गाड़ी के अंदर अगर मेन पार्ट्स उसका इंजन ही नहीं है, आप सोचोगे कि यार मैं मर्सिडीज के अंदर मारुति का इंजन लगा के चला लूं? इट्स नॉट पॉसिबल, उस गाड़ी का स्टैंडर्ड ही नहीं है वो, और वो जो इंजन है वो उस गाड़ी को नहीं खींच सकता, वो उतनी एमिनिटीज नहीं दे सकता। एज अ सेम लाइक हियर, और मेडिसिन वाला जो पार्ट है, आप सोचिए जो लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं कि वो मेडिसिन के लिए इतना ज्यादा डीपली सोचते हैं, वो लोग विदाउट ए कंपनी कैसे आपके ऊपर फेथ करेंगे कि वो आपसे आपकी मेडिसिन ले? इसके लिए दोस्तों बिजनेस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं स्टार्टिंग से हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करते आया हूं कि आप एक अच्छा बिजनेस स्ट्रक्चर खुद का तैयार कीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझसे करवाइए, मैंने यही कहा है कि जहां से भी करवाओ, लेकिन एक कंप्लीट बिजनेस स्ट्रक्चर जो मैं एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बताता हूं वो आप लोग बनाइए, और उसके बाद में आप मार्केट में जाइए, आपको बहुत इफेक्ट होगा। इंडिया का सबसे बड़ा इश्यू जो मैं आपको बता रहा हूं बिजनेस के रिलेटेड, वो यही है कि हर आदमी बड़ी कंपनी से अपना व्यापार करना चाहता है, लेकिन कोई भी खुद कंपनी नहीं बनना चाहता। हर आदमी ऑनलाइन यही चाहता है कि मुझे बायर मिल जाए, मुझे बायर मिल जाए, लेकिन वो खुद कभी ऑनलाइन नहीं जाना चाहता। यानी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट पे हर इंसान का यही सोचना है, जो एक मैंडेटरी पार्ट है कि बस मेरी 1-2 डील हो जाए उसके बाद में मैं पैसा खर्च कर दूंगा। दोस्तों इट्स नॉट पॉसिबल। आप किसी भी कंपनी को देखिए, किसी भी बड़े नाम को देखिए, वो सभी लोग कंपनीज के साथ में ही मार्केट में आए हैं, एक स्टैंडर्ड के साथ में मार्केट में आए हैं ताकि वो एक्सपांड हो सके। ये सबसे बड़ा हमारा वीकर पॉइंट है। भारतीय जितने भी मैन्युफैक्चरर मैं बोल सकता हूं या मर्चेंट बोल सकता हूं, वो लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं, और उसकी वजह से वो आज भी पीछे हैं। वही मदारी और बंदर वाला खेल चल रहा है जबकि दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है। सेकंड थिंग, आवर प्रोडक्शन सिस्टम एंड पैकेजिंग, जो मैंने अभी किया मदारी और बंदर वाला खेल, आज भी और हमारा जो पैकेजिंग सिस्टम आयुर्वेदिक के लिए, वही प्लास्टिक की पुड़िया, उसके अंदर वो चूरन या जो भी वो मेडिसिन हो उनकी वो डाल दी, रिप किया और सामने वाले को दे दिया। दोस्तों आज के टाइम पे प्रेजेंटेशन जो है, अपना जो प्रोडक्शन स्टाइल जो है, हमारी जो पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सोचिए, आप मार्केट में गए, आपको चिप्स लेनी है, सपोज दैट जस्ट ए सिंपल एग्जांपल, और उस चिप्स का पैकेट अगर एकदम से उसको तोड़ मरोड़ के रखा गया है, वो एकदम फ्रेश है, आज ही माल आया है, लेकिन उसकी पैकेजिंग अगर अच्छी नहीं है तो आप उसे परचेज नहीं करोगे। आप सोचोगे क्या पता कब का है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आप एकदम फ्रेश मटेरियल लेना चाहोगे। सेम थिंग इज हियर। इंटरनेशनल मार्केट में जाओ या डोमेस्टिक मार्केट में जाओ, एवरीवन वांट ए नीट एंड क्लीन पैकेजिंग। आपके कंटेंट्स वहां पे होने चाहिए, आपके इंग्रेडिएंट्स वहां पे होने चाहिए, हर चीज वहां पे होनी चाहिए कि ये जो आपने मेडिसिन बनाई है, ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो किस काम में आप लोगों के आएगा। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस चीज को लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से क्या होता है। सिर्फ एक ही अवेयरनेस फिलहाल मार्केट में है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि इसके इफेक्ट्स क्या है वो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर। जितना मैंने R&D किया उसमें यही देखा है कि वी आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, वी आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट दैट इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। सो उसकी वजह से वी आर द बिहाइंड। आप चाइना की बात करते हो, चाइना को आप देखेंगे, चाइना का पैकेजिंग सिस्टम और रिप्रेजेंटेशन स्टाइल इतनी मस्त, आप देख सकते हो, एक बार आप यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल कीजिए उन चीजों को, इस तरीके से वो दिखाता है कि बंदा सोचने लग जाता है कि यार इसको लेना चाहिए, जबकि उससे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास में है तो भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। थिंक अबाउट दिस। थर्ड इज प्रेजेंटेशन स्टाइल। एज आई सेड यू बिफोर दिस, प्रेजेंटेशन स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स।
प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर आप लोगों के पास में नहीं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो इट्स अ वेरी हार्ड टू सेल इन वर्ल्ड वाइड मार्केट, बिकॉज आपने, मैंने बहुत पहले भी कहा है कि मार्केटिंग इज एन स्किल। आपके पास में जो प्रोडक्ट है, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर दैट, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, चाहे उस प्रोडक्ट में कितनी भी क्वालिटी हो। जबकि जहर जो है वो भी बिक सकता है अगर एक्सप्लेन करने वाले में दम हो तो। इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि आपकी अपने प्रोडक्ट पे कमांड होनी चाहिए, जितना आपके उसके पास उसका नॉलेज आपके पास में होगा, उतना आप उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, और जितना आप प्रेजेंट कर पाओगे उतना आप अपने बायर के साथ में एक ट्रस्ट क्रिएट कर पाओगे, और जितना आप ट्रस्ट क्रिएट कर पाओगे उतना आपका बायर जो है वो एक पोटेंशियल बायर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसके लिए अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल पर भी जोर दीजिए आप। नॉलेज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्टिल वी आर वेरी लैक इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। वही हमारा जो मींस एक प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो चालू है, हम लोगों का पैकेजिंग सिस्टम हमारा वही चालू है, हम वही बंदर और मदारी वाले खेल से आज भी माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वही तंबू लगा रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर माइक चला रहे हैं, आ जाओ ये दवाई है वो दवाई है ये हो जाए, कोई नहीं लेता दोस्तों इस चीज के अंदर इंटरेस्ट। आज के टाइम पे सबको चाहिए एक स्टैंडर्ड। आप खुद बेच रहे हो, लेकिन आप जब खुद 10 रुपए का आइटम लेने जाते हो तो आप खुद उसे स्टैंडर्ड के ऊपर परचेज करते हो, तो आप ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि पूरा वर्ल्ड आपको विदाउट स्टैंडर्ड आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। लॉजिक, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि लॉजिक लगाओ कि आप जो चीज सेल कर रहे हो, आप अगर उस चीज को परचेज करना चाहो तो आपका क्या स्टैंडर्ड होगा उसके लिए, वही स्टैंडर्ड उससे ज्यादा अबव स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरे पास में प्रोडक्ट है, मैं इसे कहीं पे भी सेल कर सकता हूं, ये कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे जितना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, आप देख सकते हो गेम्स जो थे वो प्लेग्राउंड से हटके अब मोबाइलों में आ गए हैं, लोग प्लेग्राउंड पे जाते ही नहीं है, मोबाइल्स पे खेलते हैं। हर आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, उसका मेंटल सेटअप बढ़ चुका है, लेकिन जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनका मेंटल सेटअप अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। वो करोड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, वो करोड़ों की कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन खुद का स्टैंडर्ड वहां का वहां पे रखना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्ट्रक्चर वहां का वहां पे रखना चाहते हैं। इज इट नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स? अगर आपको सही में बहुत अच्छा सीरियसली अगर आप इस वर्किंग को करना चाहते हो, तो जो मैंडेटरी स्टेप्स हैं, जो इनिशियल सेटअप है, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, हम यही चाहते हैं कि हम गूगल पे बैठे या ऑनलाइन बैठे और बायर्स की लिस्ट हमारे पास में आ जाए। यार ये सोचिए, आप खुद ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं हो। जब तक आप खुद को ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करोगे, एक सेलर आपसे कैसे कनेक्ट होगा? आप लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? हर आदमी यही सोच रहा है कि मुझे बस दो चार बायर मिल जाए, मैं फटाफट डील कर दूं। नहीं होता है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं जिन्हें साल साल दो दो साल हो चुके हैं, और जो इतने परेशान हो चुके हैं इस चीज के लिए, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कारण वही है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग उनसे पूछ सकते हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है माई फ्रेंड्स। दोस्तों इसके साथ में कुछ कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स बैंड हुए थे यूके मार्केट के अंदर, उसमें केरला टेबल्स थी, केरला कैप्सूल्स थे जो हिमालय के थे, योगिराज गूगल, सुदर्शन टेबल्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बैंड की गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ लूज पैकेजिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ उनमें एक कंटेंट था जिसका नाम गूगल लाइक दैट था, मुझे ज्यादा इसका पता नहीं है, बट उसकी मात्रा उनमें ज्यादा हो गई थी, उसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स को यूके मार्केट में बैन कर दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका पैकेजिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूके यूरोपियन मार्केट जो हैं, जो वेस्टर्न मार्केट जो हैं, वहां पे इन चीजों को बड़ा, हम कह सकते हैं, डीप में देखा जाता है, बड़ा स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि इससे कभी उनके लोगों की हेल्थ पे कोई गलत इफेक्ट ना गिरे। इसके लिए आप लोगों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नाउ द मेन थिंग कि मार्केट कौन कौन से हैं, यूएसए, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड जापान, ये बिगेस्ट मार्केट हैं आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स के। कुछ नए मार्केट्स जो आए हैं उनमें ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, चाइना एंड इंडोनेशिया, बट यहां पे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पूरा वर्ल्ड ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए ओपन है, बिकॉज हर इंसान आज के टाइम पे हेल्थ कॉन्शियस बन चुका है, वो अपने
शरीर के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है। लोग योगा को वापस अपने जीवन शैली में ढालते जा रहे हैं, उसी प्रकार से एलोपैथी को दूर करते जा रहे हैं, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के ऊपर वो वापस कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और एक बहुत बड़ा टैग आप लोगों के पास में है कि यू आर इंडियन एंड क्वालिटी मीन्स इंडिया। मैंने स्टार्टिंग से कहा क्वालिटी मीन्स इंडिया, वी हैव टैग दिस थिंग कि वी आर इंडियन एंड वी हैव द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो आप, ये बहुत बड़ा टैग आप लोगों के साथ में है। अगर आप लोग सही में सीरियस हो इस बिजनेस के प्रति तो आप इसे बहुत आगे तक ले जा सकते हो, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा सिर्फ 2.5% का हमारा शेयर रेशियो है, जबकि वर्ल्ड का मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों। तो आप खुद सोचिए आप इस बिजनेस को कहां पे लेके जा सकते हो। सीरियसली आप इस बिजनेस को कीजिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि एक अच्छा बिजनेस स्ट्रक्चर लीजिए और उसके बाद में खुद को मार्केट में लीजिए। पैन इंडिया बेसिस पे भी जरूरी से कीजिए, लोगों को अवेयर करवाइए, ज्यादा से ज्यादा अवेयर करवाइए लोगों को कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। आपका एक ब्रांड बनाइए, उस ब्रांड के साथ में मार्केट में जाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मैं लास्ट में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा इस चीज के लिए कि जितना हो सके बिजनेस को, अगर आप सीरियसली कभी भी किसी भी बिजनेस को करते हो तो सीरियसली आपको उसके सारे स्टेप्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन स्टेप्स को कवर नहीं करोगे तो आपको उस बिजनेस में उतना इफेक्टिव वे नहीं मिलेगा। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और फ्रस्ट्रेशन के साथ में कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है। आपको अपना मेंटल सेटअप अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपना टेक्निकल सेटअप अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपना पैकेजिंग सिस्टम जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको खुद को एक प्रेजेंटेशन स्टाइल में लेके आना पड़ेगा। जो आपने देखा होगा पहले डाकू होते थे चंबल वगैरह के घाट में, हमने भी सुना था, मूवीज में भी देखा था, आज के टाइम पे वो सब खत्म हो चुके हैं, वो भी सारे रियल इंडस्ट्रीज बन चुके हैं, कुछ पॉलिटिशियंस बन चुके हैं। तो ये अपग्रेडेशन है, ऐसा ही कुछ अपग्रेडेशन आपको अपनी लाइफ में करना होगा। जब आप खुद को इस तरीके से अपग्रेड करोगे तब जाके आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे वे के अंदर आगे लेके जा सकते हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में है, जो भी मैन्युफैक्चरर हो, जो भी मर्चेंट हो इस फील्ड का, आप यकीन मानिए आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप करना चाहो तो पूरा वर्ल्ड का मार्केट आप लोगों के हाथ के अंदर है। इसके साथ में ही जो लोग नए हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, आपको अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, जो इसका बिजनेस करना चाहते हैं, वो इससे जुड़े। आप लोग सब लोग एक साथ में जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को डेवलप करो, क्योंकि जितना आप बढ़ोगे उतना हमारा देश बढ़ेगा। और हमारा प्रयास यही है कि आप लोग आगे बढ़ोगे देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हम सभी लोगों का रेस्पेक्ट, हम लोगों का सम्मान भी बढ़ेगा। आज मैं एम करता हूं इस वीडियो के लिए वही 100 लाइक्स। दोस्तों बहुत मेहनत होती है और हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इसके पीछे, तो मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो सिर्फ 100 लाइक्स का मैं एम करता हूं। थैंक यू एवरीवन।